विज्ञान भैरव तंत्र का अगला सूत्र कहता है, थिंकिंग नो थिंग मैनिफेस्ट लिमिटेड सेल्फ एज अनलिमिटेड। ना कुछ का विचार करने से सीमित स्व असीमित की तरह प्रकट होता है, सीमित आत्मा असीम हो जाती है। अगर इसके पहले का सूत्र हमने समझने की तरफ कदम बढ़ाए हैं तभी इस सूत्र को समझा जा सकता है। अब ये हमको एक ऐसे जगत में धक्का देने की विज्ञान भैरव तंत्र कोशिश कर रहा है जहां पर हमारे बने बनाए ढांचे टूटेंगे। हम जिन बने बनाए ढांचों में जीते हैं उनको तोड़ने के लिए सूत्र हैं और थोड़ा विरोधाभासी हैं। जैसे जैन दर्शन में हम एक कोआन उपयोग करते हैं, कोआन का अर्थ होता है पहेली दे दी जाती है गुरु के माध्यम से शिष्य को और कहा जाता है इसको सुलझाओ। पहेली ऐसी होती है जो सुलझनी नहीं होती है, लेकिन पहेली सुलझाते सुलझाते जो खोजी है सीकर है उसके भीतर कुछ सुलझ जाता है। तो ये सूत्र ऐसे ही है, जब हम इनको प्रयोग में लाएंगे समझने की तरफ बढ़ेंगे तो हम बहुत सिर खपाएंगे, बहुत सिर खपाएंगे। सूत्र तो बहुत स्पष्ट शायद हो ना हो, समझ आए ना आए, पकड़ में आए ना आए, लेकिन हमारे भीतर कोई आकाश उतर आएगा। सूत्र कहता है ना कुछ का विचार करने से जो सीमित स्व है वो असीमित हो जाता है, सीमित आत्मा असीमित हो जाती है। अब ये कितना पैराडॉक्सिकल, जो ना कुछ है नथिंग है उसका विचार कैसे करेंगे? विचार तो हम समथिंग का ही करते, कुछ है उसका ही विचार करते हैं। ना कुछ का विचार करना बड़ा मुश्किल है। विज्ञान भैरव तंत्र इसीलिए बड़ा ही सर्व स्वीकारवादी दर्शन है, तंत्र ऑल इंक्लूसिव वे ऑफ लाइफ है। कुछ चिंता नहीं, तंत्र ये भी नहीं कहता भाई विचार तुमको वहां नहीं ले जा सकते, वो विचार के पार की चीज है। लेकिन हम विचार के जगत में जी रहे हैं, हमने विचारों से जीवन को संचालित किया है, हमने विचारों से जीवन को संचालित होते हुए देखा है, जाना है, समझा है। तो तंत्र विचार के विरोध में जाएगा नहीं, वो कहेगा विचार का ही उपयोग करना है, विचार के साथ चलो, क्योंकि हमको तो हर चीज पर विचार करने की आदत है। आप इधर मुझे सुन रहे हैं सारे लोग तो क्या कर रहे हैं? विचार ही कर रहे, विचार ही कर, क्या कहा, इसका क्या अर्थ था, इससे क्या बात समझ में आई, ये हमको किधर इशारा दे रहा है, हम विचार ही कर रहे हैं। तो विचार की जो प्रक्रिया है वो हमारे अंदर ऐसे डिफॉल्ट सेट हो गई है, वो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। तो उससे लड़ाई लड़के तो कहीं नहीं जाना, तो उसी विचार को एक चुनौती देने के लिए ये एंटीडॉट सूत्र है। क्या ऐसा हम काम करें कि विचार अपना काम करते करते अपनी दुनिया में विश्राम में चले जाएं और विचार के पार की जो दुनिया है वो प्रकट हो जाए। तो उधर धक्का देने के लिए सूत्र कहता है कि ना कुछ का विचार करो। कैसे करें? लेकिन सूत्र कह रहा है तो करना पड़ेगा, विधि है, सूत्र है विज्ञान भैरव तंत्र का। अगर उसको बस सुन के ऐसे हटा देंगे तो भी बात पकड़ में नहीं आएगी। ये सूत्र भी प्रयोग करने के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे पहले सूत्र में इसके बात आई कि अनुभूति और समझ का सामंजस्य, तो यहां पर भी अनुभूति और समझ का सामंजस्य लाना पड़ेगा। जब आप उसको अप्लाई करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, तभी उसका जो सत्य है वो उद्घाटित होगा, प्रकट होगा, उसके पहले नहीं। तो चेष्टा करनी पड़ेगी, ना कुछ का विचार करना, बैठने हम विचार करेंगे ना कुछ का, नथिंग, जहां पर कुछ रहता नहीं उसका विचार। जब भी विचार करेंगे कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा,
कुछ ना कुछ पकड़ में आ जाएगा। जो कुछ भी सामने आ जाएगा वो ना कुछ नहीं होगा, वो नथिंग नहीं होगा, वो कुछ तो होगा ही। प्रसन्नता हो, आनंद भाव हो, अनुभूतियां हो, कुछ भी हो, कुछ तो होगा। तो फिर हमको उससे हटना पड़ेगा, फिर हमको फिर कोशिश करनी पड़ेगी ना कुछ का। हमारा होना क्या है? हमारा होना वही ना कुछ, नथिंग, वही ना कुछ होना ही हमारा है। जब तक हम कुछ हैं, हम ज्ञानी हैं, बुद्ध हैं, कुछ भी हैं, तब तक हम कुछ हैं। वास्तविक बुद्धत्व में क्या होता है? कोई क्लेम नहीं। जब तक किसी के पास इतना भी क्लेम है कि हाँ मैं बुद्ध हूं, मुझे बोध है, तो इसका मुताबिक कुछ है जो पकड़ा जा रहा है। वास्तविक बुद्धत्व जब किसी के भीतर होता है तो कुछ भी पकड़ में ही नहीं आता। वो व्यक्ति ऐसे शून्य में है, ऐसे अतल असीम आयाम में वो जी रहा है, अस्तित्व उसे उसे जिस भूमिका में ढाल दे वो उसमें ढल जाता। उसे कोई आग्रह नहीं कि यही बात है, पकड़ में नहीं आएगा। कुछ भी, हमारा ज्ञान भी कुछ बन जाता है, हमारा अज्ञान भी कुछ बन जाता है, हर चीज कुछ ना कुछ बन जाती है। तो वो कुछ तो रहेगा तो जो पकड़ में आएगा। तो इसलिए हम चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, प्रयोग करते जाएंगे, बैठते जाएंगे, हर चीज पर अपने ध्यान को ले जाने की कोशिश करेंगे। एक दिन वो आएगा जब वो सिरा टूटेगा। विचार की प्रक्रिया थक जाती है। जब विचार ये जान जाता है कि ये विचार का काम है नहीं, विचार करने से कुछ होना नहीं। भारत में हमने ऐसे प्रयोगों के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण किया। कई मंदिर भारत में ऐसे हैं कि मंदिर के गर्भगृह में जब जाएंगे तो खाली है। मंदिर के गर्भगृह में कुछ भी नहीं, खाली। व्यक्ति तो मंदिर जा रहा है ईश्वर के दर्शन के लिए, पूजा के लिए या उसको अनुभूति के लिए, और हमने बनाया कि गर्भगृह में हमने उसका स्थान बनाया है और वहां हमने कुछ नहीं रखा, ना कुछ। या कुछ मंदिर ऐसे हमने बनाए जो कि संख्या में ज्यादा हैं, जहां पर गर्भगृह में बस एक छोटा सा पत्थर होगा जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, एक शून्य के आकार का हमने पत्थर वहां पर रख दिया, शिवलिंग, शून्यता का बोध दिलाने के लिए हमने उसको वहां पर रख दिया। अब आप जाएं वहां पर, अगर मंदिर खाली है तो खाली में आप क्या देखेंगे, क्या अनुभव में लाएंगे? जो विचार करने की यंत्रणा है, जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो वहां पर गिर जाता है, वो चरमराकर गिर जाता है, क्योंकि ये उस शून्यता में प्रवेश है। शून्यता ही असीमता की तरफ ले जाती है, वही शाश्वतता की तरफ ले जाती है। आकार के परे जो निराकार है वो सूत्र इसीलिए कहता है कि उस ना कुछ के विचार से ही जो सीमित स्व है वो असीमित हो जाता है। अब हम अगर अपने ऊपर ही उस सारी बात को, सूत्र को ले आए और हम अपने आप का ही विचार करते रहें कि हमारे भीतर ऐसा ना कुछपन क्या है, तो हम अपने भीतर भी जो कुछ भी ढूंढेंगे, जो कुछ भी ढूंढेंगे वो कुछ होगा। सुंदर, असुंदर, कम, ज्यादा, अच्छा, बुरा, कुछ ना कुछ होगा। क्या हम अपने भीतर भी किसी उस बिंदु तक पहुंच पाएंगे जो ना कुछ है? विचार से नहीं पहुंचेंगे, लेकिन विचार करते करते अचानक जब विचारों की सारी प्रक्रिया, मैकेनिज्म गिरता है, तो वो उद्घाटित होता है जो चैतन्य का प्रवाह है।
जो या तो सब कुछ है या ना कुछ है, उस चैतन्य के प्रवाह से, उस नथिंगनेस से अच्छाई उपजती है, बुराई उपजती है, सुंदरता असुंदरता, आकार आकारों के रंग ढंग, सब कुछ वहीं से उभरते। वो हमारे होने का वास्तविक धरातल, वास्तविक हमारा होना जो ना कुछ की तरह ही है। विचार में हम उसकी तरफ जाने के लिए बढ़ेंगे, लेकिन चुनौती मैंने इसलिए कहा इसमें भी बड़ी प्रबल है और कठिनाई भी है, इसीलिए इन सूत्रों को सुनकर छोड़ देने से बात नहीं बनती। साधकों ने ऐसे सूत्रों पर लंबे लंबे समय तक काम किया है, बरसों बरसों काम किया है। सूत्र कुछ नहीं, छोटा सा सूत्र करने के लिए तो लोगों को ये लगता है कि अच्छा चार सांस ऐसे ली, पांच सांस ऐसे ली, ये मुद्रा ऐसे लगाई, जीभ वैसे पलटाई, आंखें वैसे उल्टी करी, पैर सिर पे लगाया, मतलब कुछ ऐसे करने के लिए कठिन चीज देने में तो लोगों को मन लगता है कि चलो करेंगे, पांच साल दस साल कर डालेंगे साधना। तो तभी लोगों को ये लगा कि तपस्वी लोग होते हैं ना, बड़ी कठिन साधना करते हैं, आम आदमी के लिए संभव नहीं, आम आदमी कहाँ ऐसा कर पाएगा, हिमालय की बर्फ में बैठे हुए हैं, अकेले सन्नाटे में, ठंडक में। अब किसी को क्या पता कि कहीं हिमालय के कंदरा में बैठकर भी वो साधक इसी सूत्र का उपयोग कर रहा होता था, या इसके पहले का, या कोई भी विज्ञान भरो तंत्र का सूत्र। ये सूत्र तो खास तौर से थोड़ा एकांत मांगते हैं। सूत्र ने इसमें, विज्ञान भरो तंत्र ने कोई भी यहां पर चीज नहीं रखी कि एकांत में जाकर इनका प्रयोग करो, लेकिन अगर व्यावहारिकता की दृष्टि से देखें तो ये सूत्र एकांत की मांग करते हैं कि हम एकांत में हों तब हम इन चीजों पर बहुत ही फोकस्ड होकर काम कर सकते हैं, और जब एक बार हम फोकस्ड होकर काम कर लेते हैं, उस चीज को जान लेते हैं, तब हम लोगों के बीच भी आ सकते हैं, हम भीड़ में भी रह सकते हैं, और भीड़ में रहकर भी हम उन सारी चीजों को उपयोग में ला सकते हैं, तब कोई समस्या नहीं, तब कोई अड़चन नहीं, लेकिन प्रारंभ में एकांत। तो इस बात को मानने में बहुत तर्क संगत हमको लगेगा कि जंगलों में, गुफाओं में जो साधक जा रहे थे, इन सूत्रों पर प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि ये सूत्र करते करते आप थकेंगे, फिर आपको लगेगा नहीं हो सकता, ना कुछ का विचार कैसे हो सकता है, क्योंकि सब हम जितना भी विचार करते जाएंगे वो कुछ ना कुछ का ही विचार हो, ना कुछ का विचार नहीं हो पाएगा। लेकिन सूत्र कह रहा है जाओ उधर, तो हम इतना धक्का देते चले जाएंगे, इतना धक्का देते चले जाएंगे कि एक दिन वो जो ना कुछ है, जो नथिंगनेस है, वो ओवरपावर कर लेती है, वो सीमांत आ जाता है, हमारे विचार का थ्रेशोल्ड आ जाता है, सीमांत आ जाता है, अब इसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन ये तभी आएगा जब हमने उतनी दूर तक विचार को खींचा है, हमने उस पर इतना मनन किया है, नहीं तो हर कोई कुछ ना कुछ होकर रह जाता है। भारतीय दर्शन में हम इसीलिए तो इन बातों को कहते हैं कि भाई कोई दानव हो गया, कोई देवता हो गया, दानव भी कुछ है, देवता भी कुछ है, कोई इन दोनों के पार मोक्ष में गया, यानी कि वो अब ना देव है ना दानव है, वो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी नहीं रहा वही शिवत्व को उपलब्ध हुआ, वो अपने सोर्स में, उस स्रोत में डूब गया, ना कुछ स्रोत है, सोर्स है। जिसको विज्ञान भी कहता है कि जो नथिंगनेस है उससे ही सब उपजता है, उस शून्यता से सब उपजता है। तो वो हमारा मौलिक होना है, हमारा मूल होना है। विचार एक उपकरण है, एक टूल है, बहुत उपयोगी है। जैसे पहले के सूत्र ने कहा कि शरीर से आसक्ति को हटाकर उसमें सर्वव्यापकता में जाना है,
ऐसे ही इसमें सूत्र ने ये बात नहीं कही कि विचार की आसक्ति हटाओ, लेकिन उपयोग अगर करते जाएंगे तो विचार से आसक्ति अपने आप गिरती जाएगी, क्योंकि विचार किसी न किसी चीज का होगा, विचार हमेशा सीमित का होगा, विचार सीमित ही बनाएगा। जहां कहीं विचार का हम उपयोग करेंगे हमको वो सहूलियत तो देगा लेकिन वो सीमित भी बना देगा। विचार एक किस्म की सीमा है। एक बड़ी सुंदर पुस्तक थी रिचर्ड बॉक की, जोनाथन लिविंगस्टोन सीगर, तो उसमें एक छोटा सा वाक्य आता है एक जगह पर, जब वो सीगल पहुंचता है कहीं पर, कहानी पूरी है वो नहीं सुना रहा हूं, तो जो उसका गाइड सीगल होता है गुरु, वो अचानक यहां से वहां चला जाता है, इस चोटी से उस चोटी पर पलक झपकते, पंख भी नहीं फड़फड़ाए, उड़ा भी नहीं, प्रतीकात्मक कहानी भी है। तो वो सीगल पूछता है, जो सीकर है, अपने गाइड से, ऐसा कैसे हो, आपने तो कुछ किया ही नहीं, पंख भी नहीं फड़फड़ाए यहां और बस पलक झपकते दूसरी जगह। तो वो जो गाइड सीगल कहता है, वो कहता है, योर थॉट इज योर लिमिटेशन, तुम्हारा विचार ही तुम्हारी सीमा है। अब यहां पर भी देखिए, लेखक लोग भी कभी कभी कैसी गहरी मिस्टिकल बातें लिख लेते हैं। इस सर्वव्यापकता की बात है, इस शिखर से उस शिखर पर बिना पंख फड़फड़ाए पहुंच जाने का कोई सवाल नहीं, यानी कि ऐसा नहीं तुम शारीरिक रूप से पहुंच जाओगे, लेकिन तुम चेतनागत रूप से इतने ही सर्वव्यापक हो सकते हो अगर विचार की सीमा बीच से गिर जाए। हम विचार की सीमितता के कारण सीमित बने रहते हैं। इसीलिए सूत्र ने कहा कि ऐसा जानते ही ना कुछ का विचार करने से ही हमारा जो सीमित स्व है वो असीमित हो जाता है। प्रेम की घटना को देखें, वहां पर क्या होता है, ये तो जीवन में छोटी सी ही सही किसी ने किसी रूप में हमारे सबके जीवन में आई होती है। प्रेम की घटना जब घटती है किसी के जीवन में, तो पहली बार विचार नहीं होता वहां पर, विचार की घटना के माध्यम से हम उसको नहीं देखते, और अचानक लगता है सीमाएं टूटी, कुछ सीमाएं बड़ी हो गई, अचानक एक झलक में तो असीमित ही हो जाते हैं हम किसी से मिलकर, लेकिन फिर वो असीमित होना थोड़ा छोटा होता है और हम एक्सपेंडेड हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, कम से कम दूसरे तक हमारा होना फैल जाता है, दूसरे का हम तक होना फैल जाता है। जब तक कि विशुद्ध घटना होती है, कभी इस पर भी विचार करें, तब तक वहां पर विचार ने प्रवेश नहीं किया होता है, जब एक्सपेंशन होता है, लेकिन जैसे ही वो घटना हमारे विचार की पकड़ में आती है, हम उसको एक नाम दे देते हैं, हम उसको एक संबंध का नाम दे देते हैं, हम उसको प्रेम का नाम या कुछ भी हम नाम दे देते हैं, और बस वो घटना सीमित हो जाती है, फिर हम सीमित अनुभव करते हैं। इसीलिए बड़ी अजीब सी बात घटती है कि जो प्रेमी होते हैं, प्रारंभ में जब अचानक प्रेम का आकाश उनके भीतर उतर आया होता है, तब उनके भीतर विचार की पकड़ छूट गई होती है, ना कुछ पर विचार चला गया होता है, और उन्होंने एक बड़ा विस्तार अनुभव किया होता है, वो विस्तार ही उनको आह्लाद देने वाला होता है। लेकिन फिर क्या होता है, वक्त के साथ विचार लौटते हैं, विचार फिर सीमाएं लाते हैं, और वही प्रेमी या प्रेयसी जिसने हमको उस शून्यता का विस्तृत होने का अनुभव दिया था, वही हमको सीमित होने का, जकड़ने का, बंदी होने का अनुभव देता है। इसीलिए हर प्रेमी प्रेयसी एक समय आता है जब लगता है जैसे दूसरे के द्वारा पकड़ा गया है, बड़ी बेचैनी छटपटाहट होती कि अब इसको छोड़कर कैसे भागें, फिर लेकिन उसका नैतिक विचार आ जाता है, नहीं नहीं छोड़ के भागना थोड़ा ही है, प्रेम तो हमेशा के लिए किया है। विचार से फिर वो अपने को समझा लेता है कि नहीं ऐसा नहीं, और देखो वो कितना अच्छा था उस समय जब हमने एक दूसरे के माध्यम से इतना सुंदर
वो सब कुछ जाना था, लेकिन जाना क्या था, क्यों जाना था, कैसे, क्या, ये हम भूल जाते हैं। जब विचार है सीमा है, सीमा है छटपटाहट है, जब विचार नहीं है सीमा नहीं है और असीमित होने का भाव है। इसके लिए इस कोआन को हल कर रहे हैं, अपने भीतर ना कुछ की तरफ विचार को ले जाना है। किसी भी चीज पे विचार जाता है उसको तुरंत हटा देना है। उपनिषदों का नेति नेति का जो दर्शन है वो भी इसी के समानांतर है, लेकिन नेति नेति भी इतना पारंपरिक हो गया है कि लोग उसको भी बड़े मैकेनिकली यांत्रिक ढंग से उपयोग में ले आते हैं। यहां पर उसी दृष्टिकोण से अगर चले, सूत्र ने कहा ना कुछ का विचार करना, आप बैठे, कोई भी विचार आए और हमेशा वो किसी न किसी चीज के संदर्भ में होगा, उसको तुरंत हटा देंगे। अब जैसे मंदिरों की बात करी थी, मान लो मंदिर में पत्थर शिवलिंग की तरह ही रखा हुआ है, तो कोई साधक गया, अभी साधक क्या जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं रह गया ना कुछ के विचार से, यानी शून्यता। शिव को हमने शून्य ही माना था, शिव अर्थात शून्यत्व, शिवत्व अर्थात शून्यत्व, शून्यता में प्रवेश। तो उस शिवलिंग को हमने उस शिव के रूप में यानी शून्य के रूप में रख दिया। आप कहेंगे शून्य तो बिल्कुल गोल रखना चाहिए, तो उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने वैसा रख दिया, जो भी उनकी मर्जी रही हो, उधर नहीं जाएंगे उस प्रतीक में अभी। अब साधक अगर उस पत्थर की तरफ भी जाता है तो आम व्यक्ति क्या करता है, शिव जी के दर्शन कर लिए, शिवलिंग को देखा हमने, अब सारे विचार आ गए, फिर कुछ तो उसमें पूजा करने की, मंत्र पढ़ने की, दूध चढ़ाने की और इस तरह की प्रक्रियाओं की तरफ लालायित होने लगेंगे। लेकिन जब ये मंदिर साधना के लिए उपयोग में लाए जाते थे, साधक जा रहा है उस पत्थर को भी देख रहा है, पत्थर कुछ है आकार में है, वो उस पत्थर को महसूस करते करते उस ना कुछ को महसूस करने की तरफ बढ़ता है कि ये कुछ है, लेकिन ये कुछ है कि पार जो ना कुछ बन है, वो ना कुछ पन ही परमात्मा है। तो इसलिए अगर कोई ये कहता हो कि मंदिर में परमात्मा का दर्शन अनुभूति, तो वो भी गलत नहीं कह रहा था, क्योंकि वो शून्यता और ना कुछ पन तो उसके माध्यम से अनुभव किया ही जा रहा था, लेकिन उस खास बिंदु खास आकार में कोई परमात्मा ऐसा नहीं, इस बात को ध्यान में रखें। तो इस सारे प्रयोग भारत में सारी चीजें जो हुई हैं वो इसीलिए हुई हैं, इनको हमको बहुत ही तत्परता से बहुत ही गहनता से देखना होगा। ये सूत्र सरलतम है और साथ ही विरोधाभासी है, कठिनतम भी है, ये बात भी ध्यान रखें। करने के लिए यूं दिखेगा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम इन पर प्रयोग करने जाएंगे तो वर्षों 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 लग जाते हैं उस बिंदु तक पहुंचने में। हम सौभाग्यशाली हुए तो कभी भी हो सकता है, शीघ्राति शीघ्र हो सकता है, लेकिन उस बिंदु को पकड़ने में जब ना कुछ बचता है और कुछ होना गिरता है, वही साधना है और वास्तविक तपस्या तपश्चर्या भी यही है। तो इन सूत्रों को इस दृष्टि से देखें और उन पर अगर प्रयोग करने का मन बने तो उन पर प्रयोग करें।